स्टारिंग डे 5, आई एम सो हैप्पी। 4 रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड फाइनली लास्ट स्टेप, फाइनली ये जो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है आज ख़त्म हो जाएगी एंड आई विल मिस दिस टाइप ऑफ सीरीज। डेफिनेटली मैं फ्यूचर में कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, कल हमने क्या किया था, बाल धोने का सही तरीका देखा था, कैसे बालों को धोना है और हेयर वॉश करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया था। आज हम यूज़ करने वाले हैं आपके बालों के लिए एक एक्स्ट्रा हेयर केयर पैक। यस, ये वाला जो हेयर केयर पैक है बहुत अमेजिंग होने वाला है। एंड आज लास्ट डे है तो मैं चाहती हूँ आपके बालों को एक प्रोटीन ट्रीटमेंट मिले, एक प्रोटीन केयर मिले आपके बालों को। तो आज हम अपने बालों में अप्लाई करने वाले हैं कर्ट प्लस एग हेयर मास्क। फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, हमारे जो बाल होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, उसी तरीके से हमारे बालों को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड एग इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट्स प्रोटीन रिच, तो इसलिए हमने इस हेयर मास्क में एग का यूज़ किया है। ये आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, प्लस अगर आप चाहते हो आपके जो हेयर है थोड़े स्ट्रेट हो जाए, नेचुरली अपने बालों को स्ट्रेट करना चाहते हो, सिल्की करना चाहते हो, स्मूथ करना चाहते हो, तो ये वाला हेयर मास्क परफेक्ट है। सच में ये वाला हेयर मास्क परफेक्ट है। तो बस जितना भी नरिशमेंट चाहिए था आपके बालों को, डे 4 तक हमने अच्छे से दे दिया है। और लास्ट डे मैं आपके बालों के लिए एक प्रोटीन ट्रीटमेंट ही रेफ़र कर रही हूँ, जो कि बचा कुचा नरिशमेंट है वो भी प्रोवाइड करेगा, प्लस आपके बालों की बाहरी सतह को अच्छे से मैनेजेबल दिखाएगा। पहले स्टेप में भी हमने वही किया था और लास्ट स्टेप में भी हम वही कर रहे हैं। इसे क्या होंगे, इस वाले हेयर मास्क को लगाने के बाद आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे और आपको स्ट्रेटनिंग वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिल्की रहेंगे और आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। फ्रेंड्स, प्रोटीन हेयर मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए एग। यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसको मैंने एक बाउल में डाल लिया है। एग पल्प आपको यूज़ करना है, देन उसमें आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून हनी। आप कोई भी हनी यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग पतंजलि का हनी। देन उसमें आपको ऐड करना है कोकोनट ऑयल और उसके बाद ऐड करनी है दही। अगर आप अंडे नहीं खा सकते तो आप दही भी लगाएंगे तो आपको अच्छा नरिशमेंट मिल जाएगा आपके बालों को। पर प्रोटीन ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको एग यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो अच्छे से मिक्स करके एक इसका परफेक्ट ब्लेंड बना लीजिए, एक परफेक्ट मिक्सचर बना लीजिए एंड यू गुड टू गो टू अप्लाई दिस हेयर मास्क। यस, इस हेयर मास्क को आपको अपने पूरे बालों में लगा लेना है, स्काल्प पर भी लगा सकते हो, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इसको अपने स्काल्प पर और हेयर लेंथ पर लगा लीजिए और इसको आप बन बनाकर सिक्योर कर सकते हैं। फिर आपको इस हेयर मास्क को अराउंड 30 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आप अपने फेवरेट शैम्पू एंड कंडीशनर से हेयर वॉश कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, फाइनली हमारा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है विद प्रोटीन हेयर मास्क एंड आई एम सो हैप्पी। 4 वीडियोस के रिजल्ट देख के आप लोगों के मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बस आज हमने आपके बालों को एक लास्ट फिनिशिंग दी है एंड मैं आशा करती हूँ आपको इन 5 होम रेमेडीज़ के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लगे होंगे, आपके हेयर को परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना। आप मुझे ईमेल पे रीच आउट कर सकते हो, DM कर सकते हो या फिर FB पर भी रीच आउट कर सकते हो। यस फ्रेंड्स, अब आप अपने बालों को फ्री छोड़ सकते हो क्योंकि आपके हेयर मैनेजेबल हो गए हैं, सिल्की लग रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं और उनमें एक एक्स्ट्रा शाइन भी ऐड हो गई है। मैं आशा करती हूँ आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का रिज़ल्ट अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे वेट रहेगा आप कमेंट्स का। वीडियो पसंद आई तो उसको एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर।